नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। नॉर्थ दिल्ली एरिया से बीजेपी के मोहन गोयल जी डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष चुने गए। मोहन गोयल जी एक जोश जुनून और ईमानदार व्यक्ति हैं और उनकी आज इस भावना के साथ आज उनकी मेहनत रंग लाई। उम्दा मेहनत और सोच जुनून के साथ देखा गया। आइए मैं आपको मोहन गोयल जी के संबोधन आपको सुनाती हूँ उनकी जुबानी से। मंडल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई सुधीर त्यागी जी यहाँ से चुनाव लड़े, दो बार लोकप्रिय विधायक रहे भाई सुरेंद्र प्रसाद सिंह बिट्टू जी, पूर्व अध्यक्ष भाई भीमसेन जी, मृदुल त्यागी जी, कार्यक्रम के संयोजक भाई अशोक त्यागी जी, भाई सचिन मावी जी, दीपक जी, राहुल जी, सामने योगेंद्र जी, पंकज जी, विजय लक्ष्मी जी, एक से एक देश नाम मैं भूलूंगा तो किसी का भूल जाऊंगा, सभी को असली जिम्मेवारी मेरे से ज़्यादा सुधीर त्यागी कंधे पर आई है। सुधीर त्यागी आपके मंडल के अध्यक्ष बने, मैं सही मायने में बताऊँ, मैं बड़ा विभाग खोलता हूँ, जब सुधीर त्यागी को अध्यक्ष बनाया गया था मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं कई बार देखता था सुधीर त्यागी का थोड़ा सा अपना व्यवहार था, लेकिन एक महीने से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना सुधीर ने अपने अंदर चेंज किया है, जितना सुधीर झुक करके सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चल रहा है, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ मेरे जिले के 23 मंडलों में सबसे सफलता मंडल सुधीर त्यागी का होगा। जो फलदार पेड़ होता है वही झुकता है। सुधीर भाई आज अगर थोड़ा से सबको साथ लेकर चल रहे, सबका मान बढ़ा रहे, सब कार्यकर्ताओं को पूछ रहे, तो इसमें सुधीर भाई का बहुत नाम होगा। सुधीर भाई राजनीतिक पहचान बहुत बड़ी लेगा, इसलिए मैं प्रभु से दुआ करता हूँ सुधीर को और लचीलापन दे और सुधीर सब कार्यकर्ताओं को लेकर इस प्रकार से चले कि जब नगर निगम का चुनाव आए सबसे पहले हम तिमारपुर जीते। कोई भी कैंडिडेट हो जिसको पार्टी टिकट देगी, सुधीर त्यागी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े तो हम चुनाव जीते। कुंवर प्रसन्न का पार्षद कांग्रेस का है, विधायक आम आदमी पार्टी का है, क्षेत्र का बुरा हाल है। हमारा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है आने वाले 1.5 साल तक घर घर जाकर अलग जगानी है, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर हमें अपने को नीचे रख के सर झुकाकर काम करना है। बंधुओं, अभी परसों दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन था, आप जानते हैं वो भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारे प्रेरणा रहे। जब से जनसंघ की स्थापना हुई 1951 में, सबसे पहले बार वो हमारे संसद महामंत्री थे, उसके बाद वो महामंत्री बने, 43 दिन वो अध्यक्ष रहे। इन्हें कितने छोटे से घर से चलकर, मैं आपको बताऊं, कई बार कार्यकर्ताओं को मैं दीनदयाल जी के बारे में क्यों कहता हूँ कि कार्यकर्ता बंधु हम दीनदयाल जी से सबक लें। वो हमारे महामंत्री, राष्ट्रीय संसद मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब पदों पर रहे, उनकी कोई पहचान नहीं थी। एक ऐसे घर में पैदा हुए, 3 साल में जिसका बाप मर जाए, 7 साल में जिसकी माँ मर जाए, जो नाना उनका पालन पोषण कर रहा था, 10 साल वर्ष की आयु में नाना मर गया, जो भाई उनसे 2 साल छोटा था, जब वो 8वीं पास कर रहे थे भाई मर गया, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे एक बहन थी वो भी मर गई। जिस व्यक्ति ने इतने काल में जीवन दिया हो वो हमारा प्रणेता है, उसको हम आज भी याद करते हैं। सोचिए कार्यकर्ता बंधु, एक कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी में कितनी पहचान है। इतने साधारण कार्यकर्ता थे दीनदयाल जी, जब उनका देहांत हुआ मुगल सराय स्टेशन पर 4 घंटे तक उनकी लाश खड़ी रही, किसी ने उनको पहचाना नहीं। वो छोटी मोटी पार्टी नहीं थी, 1968 में भारतीय जनसंघ विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके पास कोई आई कार्ड नहीं था, कोई विस्टी कार्ड नहीं था, कोई लेटर पैड नहीं था, एक सिल्वर की पेटी होती थी, एक जोड़ी सूते कपड़े और एक जोड़ी सूती कपड़े वो पहनते थे। थर्ड क्लास के डब्बे में सफर करते थे, किसी टिकट पर भी नाम नहीं था। वो एक रेलवे का कर्मचारी, संघ का स्वयंसेवक था। 4 घंटे बाद उसने देखा ये तो दीनदयाल उपाध्याय है, हल्ला मच गया, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हो गई।
कांग्रेस का शासन था, आज तक नहीं पता चला कैसे हत्या हुई, किसने उनका मर्डर किया। कांग्रेस ने एक छोरी बता दी रेल के डिब्बे में, जिसमें वो बैठे थे तो सबसे पीछे था। डब्बा रेल से डीलिंग हो गया, रात को चोर आ गए, चोरों ने हमला कर दिया, तीन जाति का देहांत हो गया। अरे कौन से पूछे, डब्बे में और भी लोग होंगे, किसी को चोट नहीं लगी, कोई आई विटनेस नहीं था, वो खेल खत्म हो गया। लेकिन बंधुओं, दीनदयाल जी ने अपने 17 साल के राजनीतिक जीवन में एक ऐसी कहानी लिखी, वो चाहते थे भारत ऐसा बने जो अंत्योदय क्या था। हम अंत्योदय जिसको हम फॉलो करते हैं, अंत्योदय क्या है, कई कार्यकर्ता को अंत्योदय का मतलब नहीं पता होगा। अंत्योदय है समाज का जो अंतिम सीढ़ी का व्यक्ति है, दलित शोषित वंचित पीड़ित जो भी सबसे अंतिम व्यक्ति का व्यक्ति है, उसका जब तक विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो सकता। उसके पास जब तक योजना नहीं पहुंचेंगी देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज मेरा देश का प्रधानमंत्री उन्हीं की दीनदयाल जी की जो थ्योरी लिखी गई थी, दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानववाद लिखा था, दीनदयाल जी ने जो अंत्योदय लिखा था, उसी को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। चाहे घर घर में शौचालय हो, चाहे घर घर में गैस का सिलेंडर हो, चाहे घर घर में जनधन का खाता हो, चाहे किसान के खाते में 6,000 रुपये महीने की रोज हर महीने हर साल की सब्सिडी हो, कोई भी काम हो वो गरीब को ध्यान में रख करके करते हैं। कार्यकर्ता बंधुओं, में आज इसलिए क्यों कह रहा हूँ, हम चक्कर में पड़े हैं, ये प्रधान बन गया मुझे क्या बनाएंगे। अरे 10-12 लोग इनकी टीम में आने हैं, यहाँ मंडल में 100-150-200 कार्यकर्ता है, 10-12 पदक में आ जाएंगे, बाकी रह जाएंगे वो मायूस हो जाएंगे। मुझे तो इसने महामंत्री नहीं बनाया, मुझे तो उपाध्यक्ष नहीं बनाया, मेरे तो काम करने की स्थिति ठीक नहीं है। कई बार कार्यकर्ता का जब काम करने का मन नहीं होता उससे पूछो, भाई क्यों नहीं आ रहे, भाई साहब मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं इसलिए कार्यकर्ता बताता हूँ, जिसका 3 साल की उम्र में बाप मर जाए, पता नहीं होगी। दीनदयाल जी ने सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, उनके मामा मामी जिन्होंने बड़ी मेहनत करके उनको पढ़ाया था, वो चाहते थे IAS बन जाए, हमारे घर का उद्धार होगा। दीनदयाल जी ने कहा मेरा सपना IAS बनना नहीं है। फिर आपके संपर्क में दीनदयाल जी आए, दीनदयाल जी 1938 में विस्तारक प्रचारक बनकर चले गए, मामी मामा हाथ मलते रह गए। उन्होंने कहा मैं अंग्रेज की गुलामी नहीं कर सकता, IAS की नौकरी करूँगा तो गुलामी करनी पड़ेगी, मेरा तो देश को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। कार्यकर्ता बंधु, छोटी छोटी चीज़ों से कभी अपनी हिम्मत को मत हारिए, पद तो आनी जानी चीज है। आज मोहन गोयल जिले का अध्यक्ष है, मैं तो उदाहरण बताता हूँ, मैंने भी बहुत गरीब घर से जीवन लिया है, सैनी भाई मेरे सामने बैठा है, मेरे पिताजी 1 साल का छोड़ के मरे थे, मैं जब तिमारपुर में आया था मैंने बसों पर कंडक्टर तक किए, मैंने जीवन बहुत संघर्ष से जिया है, लेकिन कभी पार्टी को छोड़ा नहीं। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि उन्हें पार्टी को कोई चुनाव न ले, तुम्हें कसम है हमें सीट किसकी हारे, एक को टिकट मिलता है 8 आदमी उसको हरा देते हैं। आज पिट्टू जी को टिकट मिला, मैं भी टिकटार्थी था, सब कार्यकर्ताओं के दावे के साथ कहता हूँ, सबसे पहले मैंने पिट्टू जी को फोन किया, पिट्टू जी कहाँ हो, घर आइए, कार्यकर्ता बैठे हैं, सबको आपके साथ जोड़ूंगा। उन्होंने कहा भैया कल नॉमिनेशन मैंने, मैं कहा भैया मैं साथ चलूँगा। अरे दिल को बड़ा करिए, आज पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया ना, इसलिए बनाया, पार्टी ने मेरा त्याग देख कर बनाया, इस आदमी ने कोई चीज व्यक्त नहीं की। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ पार्टी हमारी माँ है, कभी नकारात्मक राजनीति मत कीजिए, जितनी करनी है सकारात्मक कीजिए, नहीं करनी है तो घर बैठ जाइए, किसी का नुकसान मत कीजिए, नुकसान हम पार्टी का नहीं अपनी माँ का करता है। हम अपने कैंडिडेट को हरा के खुश हो जाते हैं। आज पार्षद कप्तान सिंह है, अगर पार्षद आज कल्पना कुमारी होती तुम्हारी बनती ना बनती, लेकिन कार्यप्रसन्न के एसआई को थोड़ी पता है तुम्हारी बनती है ना बनती है, तुम कहते मेरी गली साफ कर, मेरा चूना लगा वो ढलके लगाता। आज MLA बिट्टू जी होते स्कूल में जाते धक्का मार कर प्रिंसिपल आपको सुनता, भाई एडमिशन करना पड़ेगा, कांग्रेस का BJP के विधायक कार्यकर्ता है, उसको थोड़ी पता आपकी बिट्टू जी से बनती है नहीं बनती है। आज मनोज तिवारी सांसद है, आप थाने में जाके कह देते हो ना काम कर रहा नहीं कर रहा, नहीं मनोज तिवारी को फोन करो, उसको थोड़ी पता है सचों को, मनोज तिवारी इनकी सुनेगा नहीं सुनेगा, ये पता है मनोज तिवारी सांसद है, यदि काम नहीं करूँगा तो मेरी ट्रांसफर करा देगा, मुझे ठोक देगा, मेरे पे कार्रवाई करा देगा। इसलिए बंधु मैं बार बार कहता हूँ, अपना मारेगा छाया में गिरेगा, अपना मारेगा आपके सामने नहीं आएगा। हम 4 दिन फिसल जाते, देखो मैंने उसको लुटा दिया, कोई नहीं लुटाया, आप स्वयं लेट रहे हो, अपने ग्रेवन में झाको, अपने पार्षदों का दरवाजे पर लात मारो, कैसे नहीं हो रहा। मैं 6 दिन चाहते कह रहा हूँ, क्या आप कांग्रेस वाले के पास जा सकते हो, क्या आम आदमी वाले के पास जा सकते हो, इसलिए आज प्रण लेकर के जाओ, जीवन में जितना भी करोगे
सकारात्मक करोगे कभी नकारात्मक नहीं करोगे। सुधीर भाई के हाथ मजबूत करिए, जो आदेश आपको सुधीर दे हमारे हम उसका फर्ज है सबकी देखभाल करना, सबके सुख दुख में साथ देना, सबके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाना, लेकिन आपका भी फर्ज है अपने मंडल प्रधान के आदेश को मानना, अपने मंडल प्रधान के साथ मिलकर संघर्ष करना। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।